हे फ्रेंड्स, आप अगर वेब स्टोरीज बना रहे हो गाइस और आपका अगर डिस्कवर फीचर अगर एनेबल नहीं हो रहा है, सो गाइस आप विद इन 1 वीक जो कि डिस्कवर फीचर को एनेबल कर सकते हो गाइस। आज की इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप कैसे क्या कर सकते हो गाइस, आपका जो कि डिस्कवर फीचर वो एनेबल हो जाएगा। सो गाइस आप लोगों के जो कि सपोर्ट से गाइस हमारे चैनल पर जो कि 1000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस हो चुका है गाइस, और मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आगे जाके भी अगर मैं लाइव सेशन भी रखने वाला हूँ, सो गाइस अभी 2K करना है, 2K जब हो जाएगा गाइस मैं लाइव सेशन लाने वाला हूँ, ठीक है। तो लाइव आएंगे, ठीक है। सो गाइस मैं आज पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाऊंगा, एंड तक आपको पूरा पता चल जाएगा गाइस कि आपको क्या करना है गाइस। आप अगर ब्लॉगिंग फील्ड में अगर आए हो तो आपको वेब स्टोरीज वगैरह अभी ट्राई करना है गाइस। वेब स्टोरीज में आपको अगर ट्रैफिक मिलता है तो आपको बहुत सारा अर्निंग होगा, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे मैं देख सकता हूँ जो कि डैशबोर्ड ओपन करके रखा हूँ, मैं डेमो आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगा कि आप कैसे वेब स्टोरीज जो कि क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं स्टोरीज ऑप्शन में मैं चला जाता हूँ, सो गाइस यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो जो कि यहाँ पे आपके सामने इंटरफेस ओपन हो जाएगा गाइस। पूरा स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दिखाऊंगा गाइस आपको कैसे क्या करना है गाइस, आप कैसे अच्छे तरीके से जो कि और कम समय में जो कि वेब स्टोरीज क्रिएट कर सकते हो गाइस, और आपको किस नीच पे काम करना है। पहले मैं नीच आपको बता देता हूँ गाइस आपको किस नीच पे काम करना है, ठीक है। अभी के टाइम पर जो कि डिस्कवर फीचर बहुत लोगों का एनेबल नहीं हो रहा है, ठीक है। आपको किस नीच पे काम करना है वो सबसे मेन चीज़ है गाइस। नीच आपको सिलेक्ट करना है जो कि एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट में क्यों बता रहा हूँ गाइस, एंटरटेनमेंट में बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंटरटेनमेंट में आपको जो कि अभी के टाइम पे पता है आप जो कि बॉलीवुड का ट्रेंडिंग रहता है, जो कि नया नया मूवीज वगैरह आता है, आपको उन सब नीच पे काम करना है। मूवीज टाइप नीच पे काम करोगे तो आपका जो कि डिस्कवर फीचर एनेबल हो, मतलब 100% डिस्कवर फीचर एनेबल हो जाएगा। तो आप अगर मूवीज रिलेटेड किसी एक्टर्स एक्ट्रेस के रिलेटेड कुछ अगर वेब सीरीज वगैरह बनाते हो तो आपका जो कि वो गूगल पे रैंक होता है और आपका जो कि डिस्कवर फीचर भी एनेबल हो जाएगा। सो आपको ऐसे नीचे पे काम करना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई नया मूवी आ रहा है उसका रिव्यू बना दो, और नहीं तो उसका डाउनलोडिंग का कुछ मतलब ऐसा टाइप का कुछ अब बना सकते हो, बट लिंक वगैरह मत देना, नहीं तो आपका एडसेंस में मतलब दिक्कत आ जाएगा। आप रिव्यूज वगैरह बना सकते हो, ठीक है। सो गाइस आप अगर नया नया मूवीज रिलेटेड अगर वेब सीरीज वगैरह क्रिएट करते हो ना, तो आपको जो कि 37 में भी आता है और आपका जल्दी से जो कि डिस्कवर ये फीचर एनेबल हो जाएगा। मैंने गाइस ये मेरा एक वेबसाइट पे जो कि डिस्कवर फीचर मेरा एनेबल हुआ है गाइस, जो कि 15 दिन के अंदर ही हो चुका है। सो आई होप अगर आप ये काम करते हो गाइस तो आपका भी एनेबल हो जाए। अभी आप बात करते हैं गाइस जो कि आप कैसे क्रिएट कर सकते हो गाइस, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे मैं गूगल ट्रेंड ओपन करता हूँ, आपके सामने गूगल ट्रेंड पर जाता हूँ। यहाँ पे गूगल ट्रेंड पे जाते हैं गाइस, और आप अगर ट्रेंडिंग रिलेटेड काम करते हो तो आपके लिए बेस्ट है गाइस। ट्रेंडिंग से ही आप जो भी फाइंड करके आप ट्रेंडिंग से अगर काम करते हो गाइस तो आपके लिए वो बेस्ट रहता है गाइस। बट ट्रेंडिंग में हर टाइम जो कि मूवीज़ वगैरह नहीं रहते, तो मूवीज़ वगैरह का वेबसाइट में बहुत सारा वेबसाइट मिल जाएगा, उस वेबसाइट से आप सिलेक्ट कर सकते हो मूवीज़ वगैरह का, ठीक है। रिव्यूज़ वगैरह भी उठा सकते हो, बट आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है। आप अगर कॉपी पेस्ट करोगे अभी टाइम पे तो आपको बहुत दिक्कत आएगा, क्योंकि बैन वगैरह भी हो सकते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ गाइस आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं यहाँ से कोई फॉर एग्जांपल कोई भी एक ये ब्रह्मास्त्र का ये ले रहा हूँ, ठीक है। ये भी एक नया मूवी होगा शायद, तो ये ट्रेंडिंग में चल रहा है गाइस अभी आप देख सकते हो। तो इसका मैं अभी उठा के दिखा रहा हूँ आपको। तो पहले तो क्या करते गाइस, इसका ये जो एक कॉपी मतलब ये कॉपी कर लेते हैं पहले, तो इसका ये कॉपी करते हैं गाइस, और इमेज वगैरह पहले हम उठा लेते हैं यहाँ से गूगल से, ठीक है। यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं, और गूगल से अगर आप अगर इमेज उठा रहे हो गाइस तो आप अगर इंस्टाग्राम से भी इमेज उठा सकते हो गाइस। इंस्टाग्राम से उठाते हो तो बहुत ही बेस्ट है, बट इंस्टाग्राम से जहाँ से उठा रहे हो वो मतलब उस पेज का जो मेन जो ओनर है उनका वो आप क्रेडिट दे सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे मैं ये ब्रह्मास्त्र का ये इसका जो मैं गूगल से उठाने वाला हूँ, तो मैं जिस भी साइट का उठाऊँगा तो मैं क्रेडिट दे दूँगा। तो आपको भी क्रेडिट देना है गाइस, क्रेडिट अगर नहीं दोगे तो लफड़ा हो सकता है, DMC भी ला सकता है, ठीक है। तो DMC एक होता है जो कि कॉपीराइट का जैसी है, अगर वो लग गया तो आपका मतलब एडसेंस बैन होने का चांसेस रहता है। तो गाइस मैं इस इमेज को मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आता हूँ, और यहाँ पे जो ये दिख रहा है इंसर्ट लिंक, इसमें मैं पेस्ट करता हूँ, देखता हूँ अगर होता है तो नहीं तो इस इमेज को हम डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पे देखता हूँ ले रहा है कि नहीं। सो इसको इमेज को ले लिया, ठीक है, आप देख सकते हो। यहाँ पे इसको कर देते सेट, और मैं थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ, आपको थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, इसको 100% कर देते थोड़ा। यहाँ पे आप देख सकते हो, तो ऐसे आपको सेट कर देना है। सेट करने के बाद अभी मैं बताता हूँ गाइस आपको, ये यहाँ से शेप मिल जाएगा, यहाँ से शेप्स आपको ले लेना है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं राउंड ले रहा हूँ, ये
राउंड ले लिया यहाँ पे, उसका कलर भी आप चूज़ कर लेना गाइस, अच्छे से कलर एक चूज़ कर लेना। यहाँ पे कलर मैं इसको रख दे रहा हूँ, तो पिंक कलर को रख दे रहा हूँ। इसको थोड़ा बड़ा कर लेना, ऐसा एडजस्ट कर लेना, नीचे ऐसा एडजस्ट कर लेना है गाइस, ठीक है। एडजस्ट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जो इमेज पे क्लिक किया है गाइस, तो इमेज का आप फास्ट फास्ट इमेज का तो आप मतलब यहाँ पे वो नहीं लगा सकते हो, जो यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, इफेक्ट नहीं लगा सकते हो, ठीक है। ये पहला जो आपका जो रहेगा ना, तो उसको इफेक्ट नहीं होगा, नेक्स्ट में आप इफेक्ट लगा सकते हैं। तो पहले हमने ये वाला चीज़ लगा लिया, तो अभी यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो टेक्स्ट आपको सेकंड वाला ले लेना है, और टेक्स्ट लेने के बाद गाइस इसको हम यहाँ से आर्टिकल को थोड़ा ले लेते हैं ऊपर से, ठीक है। आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ गाइस, आप अगर कॉपी पेस्ट करोगे तो आपके टाइम पे बहुत ही दिक्कत आएगी। कॉपी पेस्ट नहीं करना है, भले ही आप रीराइट कर रहे हो, यूनिक यूनिक डालो, कुछ भी डालो, यूनिक डालो, बट आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है। कॉपी पेस्ट करोगे तो दिक्कत हो जाएगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे स्पिन बॉट सर्च करना है, स्पिन बॉट, ठीक है। स्पिन बॉट जैसे ही सर्च करोगे गाइस, आपके सामने ये ओपन हो जाएगा, तो इसको आप स्पिन कर लेना गाइस। यहाँ पे आपको यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर देना है इसको, ठीक है। जैसे ही आप पेस्ट करोगे और बेसिक स्पिन पे आप क्लिक कर देना, ये स्पिन हो जाएगी यहाँ पे। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो गाइस, मैं और एक चीज़ बता देता हूँ, और एक मेथड, जैसे कि आप इसको स्पिन अगर करते हो, तो मतलब ये जो स्पिन होके आता है ना, ये पूरी तरीके से रीड करने के बाद समझ में नहीं आता है बहुत लोगों को, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। जैसे कि इंग्लिश है गाइस, यहाँ पे इंग्लिश से आप स्पेनिश कर दो, और स्पेनिश से फिर से इंग्लिश कर दो, और इंग्लिश से फिर से हिंदी कर दो, तो आपका जो कि पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा, और अच्छे तरीके से मतलब मॉडिफाई हो जाएगा, ठीक है। आप ऐसे कर सकते हो, फॉर एग्जांपल मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा गाइस, क्योंकि सबका टाइम होता है, तो आई होप यहाँ पे पेस्ट कर देना है आपको, और इसको मैं चेंज कर देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे आपको स्पेनिश चूज कर लेना है, स्पेनिश, ठीक है। स्पेनिश जैसे चूज़ किया गया आपके सामने, यहाँ पे आप देख सकते हो जो कि स्पेनिश में हो गया है। सिंपली इसको कॉपी कर लेना, फिर से यहाँ पे जो कि पेस्ट कर देना है गाइस, आपको यहाँ पे स्पेनिश कर देना है, फिर से स्पेनिश कर दिया, फिर से यहाँ पे पेस्ट कर देना है स्पेनिश टू इंग्लिश, फिर से स्पेनिश टू इंग्लिश हो गया। अभी इंग्लिश टू फिर से हिंदी कर देना है, और उसको कॉपी करके आप हिंदी में बना सकते हो, ठीक है। तो फिर से इसको कॉपी कर लेते हैं इंग्लिश को, और यहाँ पे फिर से इसको कर देते पेस्ट, और यहाँ पे इसको कर देते हिंदी, ठीक है। अभी हो गया हिंदी, और अभी जो कि पूरा यूनिक हो गया है, आप प्लेगरिज्म भी चेक करना चाहते हो तो प्लेगरिज्म भी चेक कर लेना, नहीं तो उसको आप मतलब फिर से स्पिन कर सकते हो। तो ये मतलब प्लेगरिज्म उतना नहीं आएगा, क्योंकि हमने दो दो तीन बार चेंज किया है, तो ये अच्छा मतलब इसको आप यूज़ कर सकते हो। तो आप ऐसे भी कर सकते हो गाइस, फॉर एग्जांपल मैं अभी स्पिन करके दिखा रहा हूँ आपको, मतलब आपका आर्टिकल जो अभी के टाइम पे यूनिक होना चाहिए गाइस, क्योंकि कॉपी अगर होगा तो रैंक नहीं करेगा, और दिक्कत भी आ सकता है, तो मैं सजेस्ट नहीं करता। अभी के टाइम पे कॉपी करोगे तो बहुत दिक्कत आ जाएगा, और यहाँ पे इसको आपको पेस्ट कर देना है, ठीक है। जैसे कि इस पर पेस्ट कर दिया, पेस्ट करने के बाद आप इसको जैसे कि कलर्स वगैरह है, कलर्स इसको ब्लैक है, तो इसको कलर्स को मैं वाइट कर दे रहा हूँ, यहाँ से वाइट कर दिया गाइस। उसके बाद आपको इसको एडजस्ट कर देना है, ठीक है। इसको नीचे कर देते यहाँ से यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो, अब बहुत ही अच्छी तरीके से सेट एडजस्ट हो गया। अभी इसको डुप्लीकेट पेज में क्लिक करके इसको डुप्लीकेट कर देते, और इसको इमेज को फिर से डिलीट कर देते। और एक चीज़ रह गया है, मैं सॉरी इसको मैं बता देता हूँ, आपको क्रेडिट देना है, तो क्रेडिट मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे कैसे देना है। तो क्रेडिट के लिए गाइस आपको जैसे कि यहाँ पे कहाँ से इमेज लिया है हमने, तो यहाँ पे rediff.com दिया हुआ है, तो यही आपको देना है गाइस, ये जो है ना, तो इसको आपको मैं बता देता हूँ। आपको क्या करना है, टाइटल 3 वाला ले लेना है, छोटा सा इमेज मतलब फॉन्ट ले लेना है, और यहाँ पे यहाँ पे राइट कर देना है rediff.com, ठीक है। और फॉन्ट को आपको क्या कर देना है, फॉन्ट
फॉन्ट आपको ब्लैक ही रख देना है जैसे कि समझ में आए, और आपको ये ऊपर ऊपर कर देना है कॉर्नर पे, ठीक है, ये आपको ऊपर कॉर्नर पे कर देना है, और इसको बैकग्राउंड में स्टाइल पे जाना है, और स्टाइल पे जाने के बाद बैकग्राउंड को वाइट कर देते तो समझ में आ जाएगा। बैकग्राउंड में आपको दिखा देता हूँ कैसे करना है। तो बॉर्डर पे जाना है, बॉर्डर पे जाने के बाद इसको इसको वन कर देना है, ठीक है, वन कर देना है, और यहाँ पे जो फिल है, फिल आपको इस फिल पे क्लिक कर देना है, सॉरी ये फिल पे, हाँ फिल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो जो कि बैकग्राउंड बैकग्राउंड का आपको आ जाएगा। तो बैकग्राउंड आपका यहाँ पे देख सकते हो बैकग्राउंड वाइट हो चुका है, तो इसको थोड़ा बड़ा कर देना है और इसको कॉर्नर पे लगा देना है, ठीक है। तो ये आपका क्रेडिट हो गया, तो इससे आपको मतलब कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी नेक्स्ट मैं आपको करके दिखाता हूँ, बट आप बस आपको 3-4 स्लाइड आपको करके दिखाऊंगा, कि नहीं तो वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जा रहा है, ठीक है। तो वीडियो भी मैं लॉन्ग नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाता है, बाद में सबका टाइम ख़राब होता है गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे इस इमेज को, जैसे कि इस इमेज को कॉपी इमेज एड्रेस करते और एड न्यू पे क्लिक करके यहाँ पे इसको फिर से यहाँ पे सिलेक्ट करते, और एक सेकेंड यहाँ पे इमेज इंसर्ट पे आते, और इंसर्ट पे आने के बाद यहाँ पे फिर से इंसर्ट लिंक, और इसको कर देते पेस्ट, यहाँ पे एंटर कर देते। और कुछ कुछ इमेज गैस लेता नहीं है, तो जो जो इमेज नहीं लेता है गैस, उस इमेज को आप डाउनलोड कर सकते हो, फिर इसको अपलोड कर देना, ठीक है। तो ये इमेज ले लिया है, उसको एडजस्ट कर देते यहाँ पे, अभी जो कि आपको इफेक्ट लगाने का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है, इफेक्ट लगाने का ऑप्शन। यहाँ पे स्टाइल पे जाओगे, स्टाइल पे जाने के बाद यहाँ पे क्लिक कर दिया इस पे, यहाँ पे आप देख सकते हो तो स्टाइल पे एनिमेशन, एनिमेशन पे चला जाना है, एनिमेशन पे जाने के बाद यहाँ पे आप एनिमेशन लगा सकते हो, जैसे कि फॉर जूम आउट, ठीक है, यहाँ पे जूम आउट अच्छा लग रहा है। और ये जो हमने जो ये जो शेप लगाया गया, इस शेप का भी आप एनिमेशन दे सकते हो, जैसे कि ड्रॉप, ड्रॉप नहीं अच्छा लगेगा, शेप का अगर दे रहे हो तो नीचे से दो, बहुत ही अच्छा लगता है, ठीक है। और आप अगर फ़ॉन्ट का भी देना चाहते हो तो फ़ॉन्ट का भी दे सकते हो, जैसे कि साइड से। तो अभी देखो ये प्ले करने से कितना अच्छा लगता है, ठीक है, तो आप ऐसे भी दे सकते हो। और कॉर्नर पे आपको मतलब सेम आपको ये क्रेडिट दे देना है, ठीक है, फिर से मैं डुप्लीकेट कर रहा हूँ, ठीक है, आपके सामने। आपको हर बार, जो कि हर बार आपको मतलब ये पैराग्राफ वगैरह कॉपी करके आपको यहाँ पे लगाना है। मैं बार बार मतलब नहीं कर रहा हूँ, रिपीट कर नहीं कर रहा हूँ, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको आपको मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मतलब वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा गाइस, इसीलिए यहाँ पे फिर से इसको कॉपी कर लेना है, ठीक है, अपने स्क्रीन से लिया ये यहाँ से आपका जो कि यहाँ से मतलब फुल स्टॉप, जहाँ पे फुल स्टॉप तक आपको कर देना है, और कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपको फिर से यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है, कर दिया पेस्ट। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट में, ये वाला हो गया, नेक्स्ट में अब हम दूसरा इमेज ले लेते हैं, ये और एक इमेज सिलेक्ट कर लेता हूँ, जो कि यहाँ से, और इमेज भी आप 1000 1000 पिक्सल से नीचे ही सिलेक्ट करना, नहीं तो लोडिंग में दिक्कत होता है, लोडिंग नहीं होता है, जो भी यूज़र आपका वॉच करता है तो लोडिंग में दिक्कत होता है। तो आप मतलब 1000 1000 पिक्सल से कम ही लेना, या 1000 पिक्सल से ज़्यादा है तो छोटा इमेज ले लेना गाइस, हर बार तो नहीं मिलता है, बट ट्राई करना 1000 पिक्सल से नीचे, ठीक है, इससे यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा होता है, मतलब इमेज का साइज़ ज़्यादा बड़ा नहीं रहता है और जल्दी से लोड हो जाता है इसीलिए। तो इसको भी कर देते या फिर पेस्ट, एंटर कर देते हैं, एंटर कर देने के बाद ये लोड ले रहा है, अभी इसको कर देते हैं एडजस्ट, ठीक है, इसको सेम हमको यहाँ पे एनिमेशन लगाना है, यहाँ पे एनिमेशन लगा देता हूँ, इसको फिर से जूम आउट कर देता हूँ, और इसको थोड़ा प्ले करके देखते हैं, फिर से हमारा एनिमेशन हो गया, और कितना अच्छा लग रहा है देख सकते हो। सिंपल एनिमेशन रखना, कोई ज़्यादा ज़्यादा वो करने की कोशिश मत करना। फिर से आपको यहाँ पे टेक्स्ट कॉपी कर देना है, कॉपी करने के बाद यहाँ पे फुल स्टॉप तक फिर से कॉपी कर दिया, कॉपी एंड फिर से आपको यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना, यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। और फ़ॉन्ट को आप अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हो, बहुत तरीके से, ठीक है, एडजस्ट कर सकते हो मूवमेंट करके। और
हो गया हमारा थर्ड स्लाइड, हो गया थर्ड स्लाइड, ऐसा करके डुप्लीकेट करके फिर से आपको फोर्थ स्लाइड बना देना है, ठीक है। ऐसा करके बहुत अच्छे तरीके से आप बना सकते हो गाइस, आप टाइम लगा के, ठीक है। यहाँ पे दूसरा इमेज और एक सिलेक्ट कर लेता हूँ, दूसरा इमेज जैसे कि ये वाला हो गया, ठीक है। इसको ले लेते हैं हम, कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, फिर से चलते हैं यहाँ पे और इसको इंसर्ट कर देते हैं यहाँ पे, इंसर्ट लिंक, इसको पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे, और हो गया। अभी इसको भी एडजस्ट कर देते हैं और यहाँ पे इसको स्टाइल पे जाके और यहाँ पे एनिमेशन इसको जूम आउट कर देते हैं, हो गया। अभी इसको प्ले करते हैं, कितना अच्छा लग रहा है, ठीक है। लास्ट में आपको जो कि लिंक लगाना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, वर्टेक्स स्लाइड पे जो कि फिफ्थ स्लाइड में मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। आप आठ आठ या नौ स्लाइड आपको बनानी ही है, बनाना है आठ स्लाइड नौ स्लाइड आपको बनाना ही बनाना है, नहीं तो आपको ऐड नहीं दिखेगा। ऐड आपको दिखना चाहिए तभी जाके आपका अर्निंग होगा, तो ये ज़रूर ध्यान रखिए। आपको आठ स्लाइड तो बनानी ही है, नौ स्लाइड बनाओगे और भी अच्छा है, आठ स्लाइड तो बनानी है, नहीं तो ऐड नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको कर दिया कॉपी, इसको कर दिया यहाँ पे और इसको इंसर्ट लिंक और यहाँ पे इसको कर देते पेस्ट एंटर, हो गया। तो वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो रहा है गाइस, अभी इसको यहाँ पे लिंक में लगा के दिखा दे रहा हूँ आपको, वेबसाइट में जो जाएगा जो रिडायरेक्ट होगा यूज़र, तो इसको भी एनिमेशन दे देते जूम आउट, ठीक है, हो गया। और अभी यहाँ पे जो कि लिंक लगा के दिखा देते हैं आपको, इस सिंपल इमेज पे क्लिक करना है और इंसर्ट में जाना है, जाके फिर से स्टाइल में आ जाना है। स्टाइल में जैसे ही आओगे गाइस यहाँ पे कॉल टू एक्शन दिखा रहा है, इस पर अपना जो कि है वो दे देना है, ठीक है। एज मतलब अपना वेबसाइट का लिंक दे देना है, अपना वेबसाइट का दे सकते हो, अपना पोस्ट का भी दे सकते हो, मैं तो बोलूँगा वेबसाइट का ही दे दो, बेस्ट रहता है। तो मैं फॉर एग्जांपल गूगल का दे के दिखा रहा हूँ आपको, तो यहाँ पे गूगल का मैं टाइप कर दे रहा हूँ, जैसे ही मैं कर रहा हूँ गाइस यहाँ पे देख सकते हो जो कि हमारा लिंक जो है इंसर्ट हो गया यहाँ पे, हो गया गाइस। जब भी यूज़र यहाँ पे लास्ट में आके क्लिक करेगा तो आपका सीधा वेबसाइट में जाएगा, या आपका पोस्ट का लिंक दिया तो पोस्ट का लिंक पे जाएगा। उसके बाद सिंपली आपको सबका सब कुछ हो गया गाइस, उसके बाद पब्लिश पे क्लिक करना है। जैसे ही आप पब्लिश पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपका टाइटल देना है, स्टोरी डिस्क्रिप्शन देना है, टाइटल आपका 60 कैरेक्टर का होना चाहिए, और टाइटल 60 कैरेक्टर का होना चाहिए। यहाँ पे इमेज होना चाहिए, इमेज आप कोई भी कोई सा भी उठा सकते हो, फॉर एग्जांपल इमेज में यहाँ पे लगा के दिखा देते हो अपलोड इमेज, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं कोई सा भी इमेज एक सिलेक्ट करके अभी अभी के टाइम पे आपको दिखा रहा हूँ, सिर्फ मैं इस इमेज को सिलेक्ट कर लिया यहाँ से, तो यह इसको क्रॉप करने के लिए बोल रहा है, क्रॉप कर दिया यहाँ से। क्रॉप क्रॉप हो गया गाइस, तो यहाँ पे अब इमेज आ गया हमारा, ठीक है। और यहाँ पे आपको टाइटल दे देना है, टाइटल फॉर एग्जांपल मैं टाइटल इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। कोई भी एक मैं आपको दिखा रहा हूँ, फॉर एग्जांपल एक सेकंड, मैं यहाँ से कोई भी एक, सिर्फ आपको यहाँ पे टाइटल देना है। मैं यहाँ पे इसको भी कॉपी कर लेता हूँ, इस चीज़ को भी कॉपी करके यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। सिर्फ आपको टाइटल देना है और 60 यहाँ पे टाइटल ऐसे दे देना है गाइस, और नीचे आपको डिस्क्रिप्शन भी दे देना है, डिस्क्रिप्शन भी आप छोटा रखना यहाँ पे 100, और टाइटल जो कि 60 वर्ड्स का होने से बेस्ट रहेगा। उसके बाद आपको नीचे टैक्स वगैरह का ऑप्शन मिलता है, टैक्स टैक्स वगैरह डाल देना यहाँ पे, कैटेगरी से आपको डालना चाहते हो तो डाल देना, नहीं तो मत डालना। टैक्स अगर दो तीन टैक्स लगा के उसके बाद पब्लिश पे क्लिक कर देना, आपका पब्लिश हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप गाइस आपको समझ में आया गाइस, वीडियो बहुत ही लेंथ हो गया है, सो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। सो या गाइस।